अस्सलामुअलैकुम डियर वन क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। डियर फैल्कन्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। हम लोग लेक्चर नंबर 2 के अंदर भी आज एडिशन के क्वेश्चन करेंगे। सारे बच्चे अपनी अपनी बुक्स ओपन करें। आज हमारा पेज नंबर है 32। सारे बच्चे पेज नंबर 32 ओपन करें जी। पेज नंबर 32 पे हमारा लेक्चर नंबर है 2। हमारे क्वेश्चन है एट द फॉलोइंग। आज हम लोगों ने 2 डिजिट करने हैं। पहले हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में 1 डिजिट किए थे। बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है। 1 क्लास ठीक है, वो कैसे करने मैं बता देती हूँ। देखिए आप लोगों ने ये वाला जो नंबर नजर आ रहा है ना, इसी के नीचे बिल्कुल जो नंबर है इसके साथ इसको जो है वो ऐड करना है, और ये वाला नंबर वैसे ही आप लोगों ने लिख देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए 7 में 1 प्लस करें तो कितना आ जाता है प्यारे बच्चों? 7 में 1 प्लस करें तो ये आ जाता है 8, और 3 जो है वो वैसे ही आ जाएगा नीचे। इसी तरह से देखें 4, 3 है, 1 2 3, 1 2 3 4, 4 5 6 7। तो 4 में 3 प्लस करें 7, और 4 ये वैसे ही आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे कोई नंबर नहीं है जो कि इसमें ऐड किया जा सके, तो हम इसको वैसे ही ऐड कर नीचे ले आएंगे। ठीक है, कुछ बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं 2 डिजिट्स देख के कि अब किसको किसके साथ करना है और कैसे करना है। तो बहुत ही आसान है, अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। 1 में 0 प्लस करें, हमेशा याद रखें 1 में अगर 0 प्लस करें जवाब हमेशा 1 ही आता है, और 9 जो है वैसे ही यहाँ पे नीचे आ जाएगा। इसी तरह मैं 5 में 4 प्लस करूंगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 5 6 7 8 9, ये आ गया 9, और ये 2 वैसे ही नीचे आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 और 1 5, ये तो आसान है, 5 वैसे ही नीचे आ गया। ठीक है, ये वाला 5 आपने लिखना नहीं भूलना। मैंने बहुत सारे बच्चों को नोट किया, वो क्या करते हैं इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, और ये वाला नंबर नीचे लिखना भूल जाते हैं, तो इससे क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, रॉन्ग। 5 में 3 प्लस करें 8 आ गया, और ये 3 वैसे ही आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है 6 में 0 प्लस करें 6 आ गया, 7 भी वैसे ही आ गया। ऐसे ही 9 में 0 प्लस करें 9 आ गया, और 2 वैसे ही आ गया। डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहती हूँ आज के दिन आप लोगों को सिर्फ एक ही पेज दूं, क्योंकि एक ही पेज में 2 डिजिट नंबर्स हैं, तो आप लोगों को ऐड करने में कोई मुश्किल ना हो। साथ में हम लोग डायरी नोट करेंगे जी। कॉपी पे मैंने आप लोगों की डायरी लिखी हुई है, आज के दिन की जो डायरी है उसको सारे बच्चे नोट कर लें। हम लोगों ने पेज नंबर 32 जो कि अभी अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है, इसको हम लोगों ने दोबारा सॉल्व करना है। अगर किसी का बुक पे सॉल्व है तो वो कॉपी पे लिख के सारा सॉल्व करेगा, और उसके साथ ही हमने 2 का टेबल जो है वो लर्न करना है। कौन सा टेबल करना है जी? 2 का टेबल हम लोगों ने लर्न करना है, और साथ में 32 पेज जो है वो सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप अपना काम अच्छे से करेंगे, अपनी मैम को भी लाजमी सेंड करेंगे। प्यारे बच्चों, हमें हर रोज पता होता है कौन सा बच्चा या कौन से पेरेंट्स हमारे साथ जो है वो कोऑपरेट कर रहे हैं, हमें सुनते हैं हमारे लेक्चर को, हमें जो है वो साथ साथ जो है वो बताते भी हैं, पूछते भी हैं। जो नहीं कर रहे हम उनको भी बारे में भी जो है वो जानते हैं, लेकिन हम ये उनको भी कहना चाहते हैं कि काइंडली अगर आप लोग काम डेली का कर रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप लोग उसको एक तस्वीर बना के हमें सेंड कर दें। हमें उसकी बहुत खुशी होती है कि पेरेंट्स जो है, स्टूडेंट्स जो है वो इसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।